हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका पाटकर ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये बिल्ड स्किल इन्वर्टर ट्रॉली। जी हाँ, ये मल्टी कलर में है और मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, इसलिए मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। और बिल्ड स्किल की इसलिए ऑर्डर की है क्योंकि यही ट्रॉली जो थी मुझे सही प्राइस में और बहुत ही मजबूत लगी, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे एंड इसकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। चलिए इसे ओपन करते हैं, आप लोगों को बताते हैं एंड अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग खरीदो इसे तो आपके लिए कैसी रहेगी, एक एक चीज़ को मैं विस्तार से बताऊंगी ताकि आपको आसानी हो इसके बारे में सारी जानकारी लेने में। तो ये इस तरीके से कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक होके आई है, प्रॉपर एक एक पार्ट बहुत ही अच्छे से एक एक अलग अलग कार्डबोर्ड में पैक होके आया हुआ है। इसमें नाप तोल करने के लिए एक मैनुअल टाइप की पटरी दी गई हुई है जो कि कागज़ की बनी हुई है। ऊपर से एक बॉक्स जो निकला है उसमें थोड़े से पहिए हैं जो व्हील्स होते हैं वो आए हैं, मैं आपको एक एक करके भी दिखाऊंगी। और ये अलग अलग पार्ट में सारे उसके पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग कार्डबोर्ड में मुझे रिसीव हुए हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है बिल्ड स्किल की, मैंने कई प्रोडक्ट इनके यहाँ से ऑर्डर किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ इसमें कितने व्हील्स मुझे इसमें मिले हुए हैं। तो आपको मैं एक एक करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे व्हील्स हैं जो कि 6 व्हील्स मुझे मिले हुए हैं, आप देख सकते हो मुझे इसमें 6 व्हील्स मिले हुए हैं, जिसमें से एक व्हील्स जो है पैकेट में वो एक्स्ट्रा मिला हुआ है। इन फ्यूचर अगर मेरा ट्रॉली बैग ट्रॉली का व्हील्स का एक पहिया भी थोड़ा सा डैमेज हो या कुछ भी दिक्कत हो तो उसको आप दोबारा रिप्लेस कर सकते हो। ये मैंने मल्टी कलर में मंगाई हुई है, तो आप देख सकते हो कि ये कलर जो है ऊपर और नीचे ब्लैक है, साइड में भी थोड़ा सा ग्रे कलर में है। गाइज बहुत ही प्यारा कलर मुझे रिसीव हुआ है। तो ये एक अपर पार्ट है, एक इसका लोअर पार्ट है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी अपर पार्ट और लोअर पार्ट कैसा है, मतलब क्या है पहचान और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है, इसकी प्लास्टिक कैसी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। ये साइड पार्ट है और दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कलर मुझे अच्छा लगा, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, आप चाहो तो प्रॉपर ब्लैक ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे पार्ट्स मैं निकाल के दिखा रही हूँ। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये ऐसी डिजाइन की क्यों बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये फ्रंट पार्ट है, ये वाला जो मैं आपको हाथ में लिए दिखा रही हूँ, जो फ्रंट पार्ट में है, ये पीवीसी बॉडी का पूरा बना हुआ है। पहली बार पीवीसी बॉडी जो इसकी प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एकदम मजबूत बहुत ज़्यादा। एंड इनकी व्हील्स के बारे में बताऊँ तो ये 100 kg वेट है ना, वो उठा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इसकी बॉडी 100 kg बैटरी या 100 kg प्रोडक्ट को उठा सकती है। व्हील्स लगाने के लिए नीचे पीछे की तरफ हिस्से में दिया हुआ है, जो नीचे बॉटम साइड है आप देख सकते हो, उसमें जिग जैग वाली लाइनिंग बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, वो इसलिए कि वो इसकी मजबूती को प्रमोट करती हैं, इसकी मजबूती को दिखाती हैं कि ये कितनी यहाँ से मजबूत है। जो जिग जैग लाइन बनी हुई है, डिवाइडिंग लाइन जो जिन्हें कहते हैं, उससे इसकी मजबूती उभर के आती है, ये मजबूत हैं। इसी में ही ऊपर की तरफ जो ये साइड पार्ट को लगाने के लिए होल्स बने हुए हैं, बस इन्हीं के सहारे इनको एडजस्ट करना है। लगाने के बाद बहुत ही आसानी से इनको ठोक दो, हल्का सा दबा दो, अच्छे से लग जाएंगे। एंड यहाँ पे आगे देख रहे हैं छोटे छोटे से निशान बने हुए हैं, यहाँ पे आपको अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। इस सबको अटैच करने के बाद इनको बीच में, ये जो कॉर्नर नीचे किनारे किनारे बने हुए हैं, इनको जोड़ने के लिए बीचों बीच में 4 टाइप की क्लिप दी गई हुई है, प्लास्टिक की ही है, उनको घुमा के उसमें लगाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, एक ये नीचे की तरफ है, ये देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पे इस तरह राउंड कर दिया गया है, एक इस तरफ। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, मुझे 2 इस तरीके की जो नोप है, जो जिसे ये लॉक हुआ है प्लास्टिक की, ये भी इसमें एक्स्ट्रा मिली हुई है। इन फ्यूचर ख़राब हो तो आप उसमें वो लगा सकते हो। तो गाइज ये नीचे वाला पार्ट था जहाँ पे हम बैटरी रखते हैं, जिसमें ज़्यादा जो डिवाइडिंग लाइंस बनी हुई हैं मजबूती के लिए। ऊपर वाले पार्ट में इन्वर्टर रखना होता है, तो ऊपर वाले जो पार्ट रहता है उसमें भी डिवाइडिंग लाइन बनी है, उसमें थोड़ी सी कम है क्योंकि बैटरी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड आगे फ्रंट में ऊपर लिखा हुआ है बिल्ड स्किल, ये आगे की तरफ रहेगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसकी मजबूती के बारे में, इसके पार्ट के बारे में, इसके जो साइड एंड और साइड पार्ट और लेफ्ट एंड राइट वाले जो पार्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं,
एंड गाइज ये देखिए ये है एक्स्ट्रा मुझे जो मिला हुआ है, इसमें दो क्लिप्स भी दिख रही होंगी आपको, यही मुझे पार्ट है जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है। एंड मेरा इन्वर्टर और बैटरी कुछ इस तरीके से रखा हुआ था बाहर के एरिया में, जहाँ पार्किंग एरिया है वहाँ पर, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं भी सोच रही थी कि जल्द से चेंज करूँ, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर लगाया। मैं तलाश थी एक अच्छे प्रोडक्ट के तलाश में घूम रही थी कि भैया मिल जाए, एक अच्छा मिल जाए जिसकी बॉडी काफ़ी चले अच्छी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एंड लुक भाई बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको लगाने के लिए, या चाहो तो आप इसका ट्रॉली जो ऊपर लगाया ढक्कन वो हटा कर तब बैटरी लगा लो, या फिर असेंबल करके लेके आ जाओ अंदर से, तब आप आराम से ऐसे भी रख सकते हो आसानी से। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों लोगों ने मिलकर इसे रख लिया है। इसमें एक चीज़ और है कि आप इन्वर्टर इस तरीके रखने के बाद जो जितनी भी वायर है इसको पीछे की तरफ एक होल दिया हुआ है ऊपर की तरफ से वायर निकालने के लिए, आप चाहो तो वहाँ से वायर को निकाल सकते हो, बैटरी रख दीजिए अंदर और उसके बाद आप वायर वहाँ से निकाल के आप प्रॉपर दीवार के सहारे रख दीजिएगा और अटैच कर दीजिए, इन्वर्टर चालू हो जाएगा आपका, बैटरी भी चार्ज होगी और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हो चार चांद लग गए हैं इस एरिए के। तो गाइज आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा? अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसे खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली बिग थम्स अप आप लोग ज़रूर खरीदिएगा। बिल्ड स्किल की वेबसाइट एंड इस प्रोडक्ट का लिंक, अमेजोन लिंक सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बिल्ड स्किल में के वेबसाइट पर जाना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे बहुत ही मजबूत, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं, आप पढ़ सकते हो। गाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है, खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, प्रोडक्ट कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।